स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पोयम 8 फादर टू सन। ये क्लास 11th इंग्लिश की पोयम 8 है और हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो ये आपने पोयम पढ़ रखी होगी कि किस तरह से फादर और सन दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन फादर बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं क्योंकि उनके अपने बेटे से बिल्कुल बातचीत नहीं होती, जबकि दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं जनरेशन गैप, उसके कारण दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनी रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि ये जो पोएम है ये बिल्कुल व्यक्तिगत है या फिर ये सार्वजनिक है। तो ये जो बात है, आंसर इज द पोएम इज़ फेयरली यूनिवर्सल फेनोमेना। क्यों? क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है और ये मतलब कॉमन चीज़ है। इट इज़ नोन एज जनरेशन गैप और इसे हम जनरेशन गैप के रूप में जानते हैं, क्योंकि फादर एक अपने एज के हिसाब से अलग सोचते हैं, बेटा अलग सोचता है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जनरेशन गैप का आ जाता है और ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। ये कोई पोएट का अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। इस पोएम में पिता की हेल्पनेस, जो असहायता है, वो कैसे बताई गई है? आंसर इज ही फील्स हेल्पलेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद हिज सन हु इज लिविंग अंडर द सेम रूफ। वो असहाय क्यों लगता है? क्योंकि उसका अपना बेटा जो कि उसी के साथ एक ही छत के नीचे दोनों रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं है, साथ ही कोई मजबूत उनके बीच में इमोशनल बॉन्ड भी नहीं है कि उन दोनों की वो एक दूसरे को जान सकें या कह सकें कुछ। तो ये इस तरह से एक फादर की हेल्पलेसनेस को बताया गया है। क्वेश्चन 3, identify the phrases and lines that indicate distance between father and son. तो वो लाइनें बताइए कि जिसमें बताया गया हो कि दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में दूरियाँ थी। तो दो तीन लाइनें हम ले सकते हैं, जैसे I don't understand this child. फादर जब कहते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता, I know nothing of him, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, we speak like strangers, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोएम हैव ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम। तो क्या इस पोएम में एक सी राइमिंग स्कीम है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हर स्टंजा में अलग अलग राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम तो है लेकिन एक सी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं, इसमें कोई कंसिस्टेंस राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाए हैं और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज़।